आधा घंटा मटन को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना। उसके बाद अगर मसाले में नहीं, आप मसाले के संग अच्छी तरह से ना भूनेंगे तो उसमें से पानी जो निकलेगा उसको पूरा एकदम सूखा देना है। एकदम सूख जाएगा तब उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद तभी वो आप 15-20 मिनट फिर और पानी डाल करके आप उसको पका लीजिए, बस कंप्लीट। यही आपको थोड़ा सा, नहीं तो इसमें स्मेल एक आता है वो खून वाला स्मेल, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, अगले रेसिपी पे फिर मिलूंगी। हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत सिंपल तरीके से मटन एक करी टाइप का बना रही हूँ, ज़्यादा करी भी नहीं और आज मटन बना रही हूँ। देख लीजिए, मैं मटन लाई हूँ, ये देखिए, कम से कम 750-800 ग्राम मटन है, इसको मुझे बनाना है। ओके, तो देखते रहिए आप मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करना है, कुकर बैठा दिया मैंने, ये देखिए, तेल देना है इसमें, सूख जाएगा, ये सूखा लेंगे। तब तक के लिए मैं आ रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक दो ये 3 चम्मच मैंने तेल दिया है, 3 चम्मच तेल दिया है। अब इस तेल को गर्म होने के लिए मैं रख दूंगी। ये देखिए, मैंने ये 4 प्याज लिया है और 1 चम्मच गार्लिक, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर दिया है। बहुत छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं और तीखी वाली नहीं दूंगी। और इसको अभी मुझे तेल को अच्छी तरह से गर्म होना है। गर्म होने के बाद मैं कैरेमल के लिए थोड़ा सा चीनी डालूंगी। देख लीजिए, ये कैरेमल हो जाए तक, क्योंकि मिर्ची ज़रा मैं कम यूज़ कर रही हूँ ना, मिर्ची कम यूज़ करने से इसको थोड़ा सा कैरमेल कर रहे हैं, थोड़ा हो जाए। थोड़ा हो जाए फिर मैं आ रही हूँ। ये देखिए, कैरमेल हो रहा है, कैरमेल हो रहा है। अब मैं इसमें दूंगी ये गार्लिक, देखिए कैसे कार्ड कैरमल हो गया है। अब मैं इसको कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और फिर ये आपका हल्दी पाउडर, ये 1/2 टीस्पून तक मुझे देना है। अब मुझे प्याज देना है, 4 प्याज मैंने काट के दे दिए। दो बड़ी बड़ी और दो छोटी प्याज दे रही हूँ मैं।
हो गई है। नमक एक चम्मच करें। अब इसको कवर कर दूंगी थोड़ा पकने के लिए प्याज को। तब तक के लिए बंद कर। मैंने जरा रफली करना है क्योंकि ये पक जाएगा पकने के लिए। इसके बाद मैं इसमें एक टेबल स्पून दे रही हूँ। एक टेबल स्पून मैंने गार्लिक दिया है, एक टेबल स्पून अदरक भी दे रही हूँ। टमाटर और दही ये बाद में जाएगा। अभी मैं इसको मटन को दे दूंगी। दे दिया। अब इसमें से पानी निकलेगा, वो उसी पानी से इसको प्याज को और मसाले को पकना है। मैंने गर्म पानी में, देखिए बगल में गर्म पानी मैंने बैठा दिया है, ये देखिए गर्म पानी बैठा दिया है, इसको मैं देऊंगी। कभी भी ठंडा पानी आप मटन में नहीं लीजिएगा, हमेशा गर्म पानी। नमक दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, खाली खटाई मतलब टमाटर और ये दही जो भी देंगे आप उसको बाद में देना है। अब इसी में से पानी निकलेगा, धीरे धीरे पानी निकल के इसमें पकेगा। इसको मैं कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी, इसी में पकेगा ये। ये देखिए ये दो टमाटर मुझे देने हैं, दो टमाटर ज्यादा नहीं, इसको मैं काटूंगी अभी। ये दो टमाटर, ये पानी इसका निकल रहा है, को पानी में ही इसको पकना है। धनिया भी जाएगा। मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ा सा, इसको पानी को पास पानी में ही पकना है ना, धीमी आंच में पानी में पकना है। तो ये पक जाए इसके बाद मैं आके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना पानी सूख गया है कि नहीं, बहुत पानी सूख गया है। अब ये तेल अलग होगा, इसमें से तेल अलग होगा, तब जाके मैं इसमें, ये अभी तक ये मीट का ही पानी था उसी में इसको पकना था। अब आधा करीब पक गया होगा या तो 1/3 पक गया होगा, फिर और पकने के लिए मैं ये गर्म पानी बना के रखी हूँ। ये गर्म पानी मैं 1 कप दे दूँगी इसमें, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद और 10 मिनट बाद। मीट में ज़रा टाइम लगता है, चिकन तो फट से उग जाता है, इसको जरा सा टाइम से हम करते हैं।
देखिए ये एकदम से तेल छोड़ देगा, मैं तेज रिलीज हो जाएगा एकदम, तब से मैं समझूंगी ये पूरा तरह से पक गया है। फिर मैं थोड़ा सा स्टीम कर दूंगी, बस हो जाएगा। ये देखिए एकदम थोड़ा हो गया है, पूरा भरा हुआ था, एकदम पूरा कुकर फुल था, एकदम पूरा पक गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, तेल भी रिलीज हो गया है, मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी। देखिए तेल एकदम पूरा पक गया है, पूरा एकदम प्याज टमाटर सब एकदम, आपको मैं रिलीज, ये तेल रिलीज हो रहा है, देखिए ये बीच में तेल रिलीज हो रहा है। अब की बस मेरा पक गया है, अब मैं पानी डालूंगी। एकदम हाफ हो गया है इसका, देखिए अब मैं पानी डाल रही हूँ। और भी थोड़ा पानी देना है, सब गर्म पानी है, गरम पानी मैंने करके रखा है, गरम पानी ही दे रही हूँ मैं। ये भी गरम पानी है, दो कटोरी मैंने दिया है, इसको धो के डाल दूंगी। अब मैं इसमें दो बड़ी इलायची कूट के रखी है उसी को दे दूंगी, थोड़ा सा बटर दूंगी। बस थोड़ा सा धनिया पत्ता, अब इसको हरी मिर्च को बाद में दूंगी, अभी नहीं, उतारने के बाद। बस 20 मिनट के लिए, 20 मिनट में इसका पक जाएगा ये। बस ये देखिए हो गया, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, अच्छी तरह से हो गया है। इसको भूनने में ही टाइम लगता है, भूनने में ही आपको आधा घंटे करीब लग जाता है, उसके बाद इसको भूनने के बाद आप पानी देंगे, पानी देने के बाद ये और 15 से 20 मिनट इसको बनाना पड़ता है, इसके बाद ये, इसको टाइम लगता है ज़रा, इसी में सबसे मटन में सबसे ज़्यादा टाइम देता है। ये मटन का बहुत मैंने सिंपल तरीके से इसको बनाया है।